हेलो गाइस, मैं हूं जीवन और मैं के लिए न्यू रैली ट्रैपिंग वीडियो। और इस वीडियो में आपको मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं कि क्या हो रहा है। तो एक रैली जो है वो सईद को हिट कर चुकी है, जो पता नहीं मिक्स रही होगी, प्रोबेबली मिक्स थी क्योंकि उसको वॉक बैक मिल गया, वो बन नहीं हुआ। तो दूसरी रैली अब भाई उनके बड़े लीड ने लगा रखी है। 5 सेकेंड बचे हैं, देखते हैं क्या होता है। और ये आई रैली और ये है इन्फेंट्री रैली और इनफोन इन 5 मिलियन डैमेज। ये तो बुरा हुआ, पता नहीं वो क्या सोच रहा था। उसने काउंटर भी नहीं किया, वैसे तो वो कहता है कि वो 3 सेकंड की रैली काउंटर कर लेता है, पर उसने नहीं की। और ये तीसरी रैली लग चुकी है, ये उसी लीड ने लगाया जिसने इस पर पहले मिक्स रैली करी थी। देखते हैं और क्या होता है। अब भी वो बर्न हो रहा है, शायद इस बार वो गियर लगा ले, जल्दी ही रैली हिट होगी गाइस। ओ, रैली छूटते ही रैंडम इतना कॉन्फिडेंस। गियर तो अच्छे हैं अगले के, कैब क्या उसने काउंटर किया? काउंटर नहीं किया, व्हाट द फक, काउंटर नहीं किया उसने। तो जो पहली रैली हुई थी गाइस उसमें शायद 4.5 मिलियन का न्यूज बनी थी, जो दूसरी रैली हुई उसमें 5 मिलियन का डैमेज, 5.3 मिलियन का डैमेज था और 7.6 की न्यूज बनी थी। तीसरी रैली है जो हिट हुई, जो मेरे ख्याल से कैब ऑन कैब रही होगी, ये इस पर 5.6 मिलियन की न्यूज़ बनी है, यानी कि आप डैमेज का अंदाज़ा लगा सकते हैं 3 मिलियन से ज़्यादा रहा है। तो चौथी रैली लग चुकी है, वो प्रोबेबली अब मिक्स ही भेजेगा क्योंकि उनको तो इसका रैली ट्रूप्स कॉम्पोजिशन पता ही है। देखते हैं क्या होता है। 40 सेकंड बचे हैं और गियर सबकी लग चुके हैं, वो रेडी है। वो कहता है कि वो उसकी थोड़ी ईगो की बात थी तो वो अब शील्ड नहीं करेगा। देखते हैं कि क्या रहता है नतीजा छोटे कॉम्प में रैली लेने का। वैसे मैं बता दूं, छोटे कॉम्प पे रैली लेने पर वॉक पैक्स मिलते हैं नहीं उसको। और ये आई रैली, कारपेट्स लग चुके हैं लेकिन बहुत टाइम है काउंटर करने के लिए। और मिक्स रैली है, गियर के देख के आप बता सकते हैं काफ़ी अच्छे गियर हैं इसके। देखते हैं नतीजा क्या रहेगा। आ रही है रैली, गियर सेट हैं, मिक्स सेट इसका ऐसा है, ज़्यादा भी कोई ख़ास नहीं, लेकिन वॉक बैक मिला। यही होता है गाइस जब आपके पास छोटा कॉम्प हो और रैली लीड आपका स्ट्रॉन्ग हो। भले ही बहुत कम T5 था लेकिन डैमेज तो कम रिसीव हुआ इस रैली में, लेकिन अगले को वॉक बैक मिल गया। इस वॉक बैक बचाने के लिए गाइस आपको अपना खुद का जो है कॉम्प स्ट्रॉन्ग करना होता है, स्टैट्स बढ़ाने होते हैं। तो अब हम समझ सकते हैं कि वॉक बैक मिलने का मतलब कि वो एक रैली और करेगा। देखते हैं अब इस रैली में क्या होता है। इन्फेंट्री रेंज की दी थी हमने, हमें लगा कि क्या पता वो इस बार वो कॉम्प चेंज करे, अपनी रैली का पैटर्न चेंज करे। पहले उसने 4-4 भेजी थी तो काफ़ी इजी काउंटर होता है 4-4 का। आप रेंज फैलेंग्स में बैठे रहिए और आपकी वॉल डाउन है, वॉल डाउन होनी ज़रूरी है, तो डैमेज आप बहुत स्ट्रॉन्ग देते हैं एनिमी को और आप खुद डैमेज बहुत कम रिसीव करते हैं। तो इसी का फ़ायदा उठा के वो लास्ट रैली में जीत गया, भले ही वॉक बैक हो गई, लेकिन इस रैली में हम देखते हैं कि वो क्या करेगा। लेट्स होप कि वो कोई बेवकूफ़ी ना करे। 5, 4, 3, 2, 1 रैली छूटी। ओह, रैली छूटते रहे। गाइस, इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना चाहिए। उस पागल ने रैली रिलीज होते ही उसने अपना वॉच टावर तक नहीं देखा और रैंडम ले लिया, ना जाने किस ओवर कॉन्फिडेंस में कि हाँ मैं रैली कैप कर लूँगा। ऐसी गलती आप बिल्कुल नहीं करिएगा। वॉच टावर काउंटर ज़्यादा मेन चीज़ होती है काउंटर करना। पिछला लीड, दूसरा लीड जो था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था तो उसकी रैली कैप हो गई थी, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बंदा है।
तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही, अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।